हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कारीगरी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में, और मैं आपको कुछ ऐसे डिटेल्स बताने वाला हूं जो अभी तक आपको यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताई होगी। और जितने भी मैं आपको फीचर्स बताने वाला हूं ना, वो एकदम कन्फर्म फीचर्स हैं, क्योंकि मारुति सुजुकी स्विफ्ट का एक डॉक्यूमेंट लीक हो चुका है लॉन्च से पहले ही। अब ये डॉक्यूमेंट का क्रेडिट जाता है v3cars.com को, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को हम लोगों से शेयर किया। अब ये डॉक्यूमेंट ना बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि लॉन्च से पहले ही ना डीलरशिप्स को दिया जाता है फॉर देयर ट्रेनिंग्स, क्योंकि जब भी एक नई कार लॉन्च होती है तो डीलरशिप को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होता है उस पर्टिकुलर कार को के बारे में, तो ये डॉक्यूमेंट उस चीज़ के लिए काम आता है। तो वहीं से ये डॉक्यूमेंट शायद लीक हुआ होगा। अब यहाँ पर ना काफ़ी सारे डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट से रिवील हो गई है। तो सबसे पहले अगर फीचर्स की बात करूँ ना और अपडेट की बात करूँ, तो यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट किया गया है सेफ्टी के अंदर। मारुति सुजुकी स्विफ्ट जहाँ पर आज से पहले सेफ्टी के बारे में नहीं सोचता था ना, उसने सेफ्टी के बारे में एक सबसे बड़ा कदम ले लिया है। जैसे ह्युंडे अभी अपनी कार्स के साथ में अक्रॉस ऑल ट्रिम्स 6 एयरबैग स्टैंडर्ड ऑफर कर रहा है, जैसे आपने एक्सट्रा के अंदर भी देखा है, सेम चीज़ मारुति सुजुकी ने अब स्विफ्ट के साथ में ऑफर कर दिया, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि जो कंज्यूमर है ना, वो अब सेफ्टी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने लगा है। अब यहाँ पर ना स्विफ्ट के साथ में आपको अगर आप कोई भी ट्रिम लोगे ना नई स्विफ्ट का, आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, अब इससे सेफ्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है। कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस वेकेशन जिम कॉर्बेट उत्तराखंड जाने का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर आपको टाइगर सफारीज मिल जाती हैं, वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, तो द डियरनेस जिम कॉर्बेट एक ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। लग्जूरियस और ब्यूटीफुल जो रूम्स हैं ना विद बेस्ट अमेनिटीज़, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ जाना चाह रहे हैं तो आप हमारा रेफरेंस ले सकते हैं, 5% जो डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नंबर यहाँ पर मेंशन है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये आपको एक अपडेट मिलेगा, और ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि कंफर्म है और इस लीक डॉक्यूमेंट के अंदर देखी गई हैं। उसके बाद में अदर अपडेट की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको जो दूसरा अपडेट मिलेगा ना, वो है रियर एसी वेंट्स का। अभी तक आपको टॉप मॉडल के अंदर भी रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते थे, तो अब आपको रियर एसी वेंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल दिए जा रहे हैं। थर्ड अपडेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, तो ये भी एक बड़ा अपडेट है। अभी तक हमें वायरलेस चार्जर देखने के लिए नहीं मिलता था, तो वायरलेस चार्जर यहाँ पर आ रहा है। फोर्थ अपडेट है, 9 इंचेस के टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर मिलने वाला है विद आरकेएमएस साउंड सिस्टम। हालांकि ये वाला अपडेट हमें पता था कि 9 इंचेस का आएगा, आरकेएमएस साउंड सिस्टम आ जाएगा लाइक ऑल अदर कार्स जो कि मारुति की आती हैं, बट ये भी एक कन्फर्म है और मैंने आप लोगों को वो चीज़ बता दी है। दूसरे अपडेट की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ना अवेलेबल मिल जाएगा इसका एलईडी फॉग लैम्प। यहाँ पर आपको एलईडी फॉग लैम्प अब अवेलेबल मिलेंगे, अभी तक हमें हैलोजन बेस्ड फॉग लैम्प मिलते थे, तो अब एलईडी बेस्ड हमें जो फॉग लैम्प यूनिट है वो मिल जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि अगर जो वेदर कंडीशंस कहीं पर ख़राब होती है ना, तो एलईडी फॉग लैम्प काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं पूरा व्यू देखने के लिए, तो आपको एलईडी फॉग लैम्प भी यहाँ पर अवेलेबल मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है इसका कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। अभी तक हमें स्विफ्ट के साथ में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी, वो अलग से हमें परचेज़ करना पड़ता था, तो अब आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है ना कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी अवेलेबल मिलने वाली है। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि आपको कौन से वेरिएंट के साथ में मिलेगी, बट आपको अब कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे और अदर कार्स के अंदर आती है ना, तो वो चीज़ आपको अब यहाँ पर मिलने वाली है, जिससे कि एक जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट और मेजर अपग्रेड है इसका इंजन। यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड के साथ में जो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है ना, 81.6 PS और 112 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलेगा, बट एक और अपडेट है इसकी माइलेज। अब इस इंजन की वजह से ना जो माइलेज है ना वो यहाँ पर इम्प्रूव हो गई है। अभी तक पुरानी स्विफ्ट आपको 22 के आसपास की माइलेज देती थी, कंपनी क्लेम करती थी, तो अब नई स्विफ्ट के साथ में 25.27 की जो माइलेज है ना वो कंपनी खुद क्लेम कर रही है, तो 3.3 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज है ना वो ज़्यादा मिलेगी आपको नई स्विफ्ट के साथ में, जिससे कि आपको अगर आप डेली भी चला रहे हो ना उसको, तो वहाँ पर आपको माइलेज कुछ तो इम्प्रूवमेंट मिलेगी। सो नए इंजन के साथ में आपको हाई फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर ज़रूर मिल जाती है। तो ये थे कुछ अपग्रेड जो कि आपको नई स्विफ्ट के साथ में कंफर्म मिलने वाले हैं, और ये लीक डॉक्यूमेंट की हेल्प से हमें पता चल चुके हैं लॉन्च से पहले ही। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको इन अपडेट्स में से कौन सा अपडेट सबसे ज़्यादा पसंद आया। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो कि अभी करंट जनरेशन स्विफ्ट लेना चाह रहे हैं डिस्काउंट के साथ में। मैं उन लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पुरानी स्विफ्ट ले रहे हो ना,
तो आप रिग्रेट फील करोगे। सबसे बड़ा अपडेट जो है ना वो इसके एयरबैग्स को लेकर है। स्विफ्ट के हिसाब से आपको बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नए स्विफ्ट के साथ में मिलने वाला है। सो इस टाइम 20,000-50,000 का डिस्काउंट बिल्कुल भी मत देखो। 20,000-50,000 रुपये में ना आपको एक नई गाड़ी इम्प्रूव सेफ्टी मिलने वाली है। बाकी और अदर फीचर को छोड़ दो, बट जो सेफ्टी है ना वही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जो आपको नई स्विफ्ट के साथ में तो मिल ही रही है। हालांकि फीचर्स तो अपग्रेड मिलेंगे ही, मैं अभी फीचर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, आपको सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ मिल रही है। तो 20,000 और 50,000 मायने नहीं रखता जब फैमिली या फिर आप एक लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो या फिर रोड के ऊपर आपकी कार जा रही है ना। क्योंकि कभी भी ना जब भी रोड पर कोई कार चल रही होती है, मेरा आपका किसी का भी कोई नहीं पता होता, क्योंकि कभी आपकी गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, कभी दूसरे की गलती से एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी हमेशा मानिए जब भी आप एक नई कार लेने के लिए सोच रहे हैं। सो दोस्तों, पुरानी स्विफ्ट बिल्कुल भी बाय मत करो, नई स्विफ्ट का वेट कर लो। 9 तारीख को इसका लॉन्च है, उसके बाद आप इसको बुकिंग करवा सकते हो। हालांकि अभी भी इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट जिन लोगों को पहले कार देखनी है उसके बाद आप इसकी बुकिंग ज़रूर करवा सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो को और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।